हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग काम करेंगे पोर्टिया ट्री के ऊपर। इसको इंडियन ट्यूलिप ट्री भी बोलते हैं। एंड इस ट्री को मैंने सीड से ग्रो किया था ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले। एंड इसको ट्रांसप्लांट किया था बड़े पॉट में। एंड आप देख सकते हो अभी कि इट इज वेरी हेल्दी, वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रोइंग वाइल्ड। इट इज द परफेक्ट टाइम टू रिपोर्ट दिस ट्री। सो रिपोर्टिंग ऑफ पोर्टिया ट्री कमिंग अप ऑन थ्रिलर बॉन्साई। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर ब्यूटीफुल इंडियन ट्यूलिप ट्री और पोर्टिया ट्री। इस पास या पॉपुलेटा। सो ये है पूरा व्यू ऑफ दिस ट्री विच इज ग्रोइंग वेरी वाइल्ड। एज यू कैन सी, अपने पास तीन सीडलिंग्स है। सीडलिंग्स नहीं बोल सकते, अभी ट्रीज हो गए बहुत बड़े। तो इनको अभी हम लोग को इनके रूट्स के ऊपर काम करना है एंड उसको बोनसाई पॉट में लगाना है अपने को। सो शायद हम लोग दो एक पॉट में लगाएंगे एंड एक दूसरे पॉट में लगाएंगे, बिकॉज तीनों एक साथ रखना इज नॉट बेटर, नॉट हेल्दी फॉर द ट्रीज। अगर पॉट बड़ा रहेगा थोड़ा बोनसाई वाला तो वी कैन थिंक ऑफ दैट। फिलहाल लेट्स रिमूव दिस थ्री ट्रीज फ्रॉम दिस पॉट। लेट्स सी हाउ द रूट्स आर। जितने मैंने ट्रीज थे जिसको मैंने पीट मॉस परलाइट में मैंने सीडलिंग से ग्रो किया था, सभी ने अच्छे रूट्स बनाए थे। सो आई होप इसके भी बहुत अच्छे रूट्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। सो देयर वी गो, रिमूविंग। बैठा है या ये आ गया बाहर रूट बॉल। सो चलिए अभी देखते हैं इसके रूट्स कैसे हैं। ओह मैन, बहुत थिक एंड डेंस रूट्स है इसके भी। एज यू कैन सी थोड़े बहुत ड्राई भी हो रहे हैं नीचे से। ओह सो इसलिए उसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा था, बिकॉज हर दिन उसको पानी लग रहा था, बिकॉज द रूट्स, द वॉल्यूम ऑफ द रूट्स वाज सो लार्ज। सो चलिए पहले हम लोग इन रूट्स को पहले ब्रेक कर देते हैं, थोड़ा सॉइल निकाल देते हैं पहले, क्योंकि इजीली निकल जाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने रूट्स है यहाँ पे। थोड़ा बहुत यहाँ पे फंगस भी दिख रहा है अपने को, बट वी हैव टू डू इट स्लोली, वी नीड टू हरी अप। नीचे से वो शेप ले लिया उसने पॉट का। अब देख सकते हो पूरा पॉट का शेप लिया है उसने। तो इसलिए दोस्तों हमेशा पीट मॉस परलाइट में ही आप ग्रो कीजिएगा, बिकॉज आपको बहुत अच्छे रूट्स मिलेंगे। मैं जितने भी नर्सरी पॉट्स नर्सरी से लाए हुए ट्रीज देखता हूँ, उनके रूट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। आपने भी देखे होंगे मेरे वीडियोस में, कोई भी नर्सरी ट्री के इतने अच्छे रूट्स मिल ही नहीं सकते आपको जितने अच्छे पीट मॉस परलाइट में आपको मिलेंगे। सो दिस ट्री वॉज वेरी मच इन नीड ऑफ रिपोर्टिंग। सो अच्छा हुआ हम लोग ने इसका रिपोर्टिंग चूज किया आज। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है।
एक छोटा सा सीड कितना बढ़िया ट्री प्रोड्यूस कर सकता है विद इन 1 1/2 years। सबसे पहले पुरानी सॉइल में फेंक के आता हूँ, ये ट्री को यहाँ पे रखता हूँ। तो पुरानी सॉइल जो है वो फेंक दी है, हम लोग थोड़ा रूट्स के ऊपर काम करेंगे, थोड़ा सा इनको मिस्ट करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, यू कैन सी द लीव्स आर ड्रूपिंग डाउन। इसको थोड़ा सा मिस्ट करेंगे हम लोग, मॉइस्चर देंगे रूट्स को, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। सो हम लोग सबसे पहले सेपरेट करेंगे तीनों ट्रीज को। हो गया एक, हो गया रिमेनिंग टू। रूट्स काफी टैंगल हो गए सबके। हो गया सेपरेट एक ट्री अपना, हो गया दूसरा, हो गया तीसरा, तीन ट्रीज है अपने पास। सो एक को हम लोग शायद थोड़ा छोटा बोनसाई बना सकते हैं, दोनों को बड़ा रख सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ दैट। सबसे पहले रूट्स पे हम लोग काम करेंगे तीनों के। ये तो लुक एट दिस रूट, लुक एट दिस रूट, ये इतना लंबा है ना, वी डेफिनेटली डोंट वांट दैट। सो हम लोग इस रूट को सबसे पहले प्रून करेंगे, ये अपना टैप रूट हो गया। सो बोनसाई जर्नी में टैप रूट को सबसे पहले प्रून करना होता है। दिस इज योर लॉन्ग टैप रूट, विल बी प्रूनिंग दैट ऑफ। इतना लंबा रूट है एंड इसको हम लोग प्रून करेंगे अभी यहाँ तक, जस्ट लाइक दैट। तो ये हो गया अपना लॉन्ग टैप रूट रिमूव, देन ये हो गया अपना फर्स्ट ट्री। अभी इसमें और कोई और थोड़े रूट्स हैं जो लंबे दिख रहे हैं अपने को काफी ज्यादा, उनको भी थोड़ा शॉर्ट करेंगे हम लोग। दिस मच इज फाइन आई थिंक, ये एक लंबा है और। सो अपने को इवन आउट करने होते हैं रूट्स, सारे रूट्स दे शुड बी इवन आउट। इसको मैं पानी में रखूंगा, आई डोंट थिंक सो वी नीड टू प्रून एनीथिंग मोर। सो इसको तब तक मैं पानी में रखता हूँ, साइड में मेरे पास पानी है। सो अभी देखते हैं दूसरी ट्री की तरफ, ये भी इसका भी टैप रूट है बट नॉट एज लॉन्ग एज दैट वन, इसका थोड़ा शॉर्ट है। थोड़ा सा एक वॉश देता हूँ इसको ताकि अपने को अच्छे दिखेंगे रूट्स। दैट्स बेटर। सो ये है स्ट्रॉन्ग रूट, इसको अपने को प्रून करना होगा, आई प्रून इट हियर। देन ये भी एक लंबा रूट है, इसको भी हम लोग थोड़ा प्रून करेंगे सेम हाइट पे। एंड ये फीडर रूट्स है, ये भी काफी लंबे ग्रो हो रहे हैं, इनको भी थोड़ा हम लोग शॉर्ट करेंगे। बाकी सब ओके लग रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, या वी शुड फाइंड दिस ट्री। अभी चलते हैं थर्ड ट्री की तरफ एंड ये थर्ड ट्री का भी जो एक रूट है वो काफी लंबा हो गया है, तो इसको भी हम लोग पहले शॉर्ट कर देंगे। काफी ड्राई हो रहा है, इसको भी थोड़ा एक वॉश देता हूँ मैं पहले, बट आई विल रिमूव द बिगर रूट्स। ये टर्न हो रहा है नीचे जाके, तो टर्निंग पॉइंट पे मैं उसको कट कर रहा हूँ, इसको भी कट कर रहा हूँ। Just cutting it from the bottom, एक flat surface अपने को मिले। इसको थोड़ा एक wash देता हूँ। So ये हो गए अपने roots, wash, looking good. Now
सारे रूट्स एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ऊपर है एक नीचे है. सो हम लोग जब भी लगाएंगे तो वी नीड टू हैव अ गुड रेडियल रूट स्ट्रक्चर. आई थिंक फॉर नाउ दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर वर्किंग ऑन दिस ट्री. ज़्यादा एकदम हार्ड प्रूनिंग कुछ करेंगे नहीं, जितना हम लोग ने किया है उतना ही रखेंगे. यू कैन सी न्यू ग्रोथ्स आल्सो हियर. सो इसको हम लोग पॉट में लगाएंगे अभी. सो वी हैव थ्री ट्रीज एंड वी हैव टू डिसाइड हाउ डू वी नीड टू पॉट देम. पॉट तो वही स्टैंडर्ड यूज करूंगा मैं, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी बिगर पॉट. सो आई कैन थिंक ऑफ प्लांटिंग टू ट्रीज इन वन एंड एक को सेपरेट आउट कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं तीनों को एक साथ भी लगा सकता हूँ टू मेक अ गुड फॉरेस्ट. सो आई एम थिंकिंग इफ आई कैन डू दैट और नॉट. मेरे पास पॉट का साइज जो है इज गोइंग टू बी 963 इंचेस, 9x6x3. इसमें इफ आई मेक अ फॉरेस्ट, बिकॉज दिस थ्री ट्रीज आर सर्वाइविंग नाइसली इवन इन दैट सिंगल पॉट. सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वॉट इफ आई कैन मेक अ फॉरेस्ट आउट ऑफ इट, सॉर्ट ऑफ. तीनों ट्रीज को अगर मैंने ऐसे रखा एंड अलाउ देम टू ग्रो, इट वुड लुक अमेजिंग, इजंट इट? बट अगेन उनको ग्रो करने के लिए थोड़ा स्पेस नहीं मिलेगा उनको. सो आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ फ्यूचर परस्पेक्टिव. अभी के लिए ठीक है, एक दो साल और ठीक है, बट इससे ज़्यादा नहीं जी पाएंगे बिकॉज स्पेस कम पड़ जाएगा उनको. बट दो तो लगा सकते हैं आई थिंक साथ में, लाइक दिस यू कैन प्लांट दिस टू टुगेदर. आई थिंक वी कैन डू दैट. सो चलिए इन दोनों को एक साथ प्लांट करते हैं एंड तीसरे को हम लोग बाद में लगाएंगे. We'll have to first see which is having a good root structure. I think this one has a good root structure, and this one has a bent root. If you see, इसका जो root है वो थोड़ा bent है, and इसका भी थोड़ा सा bent है, but इसका तीसरे वाले का थोड़ा अच्छा है. So now it's up to us to decide which two we want to keep. And ऊपर of course सबको दो-दो branches है ऊपर, so everything is same on top as well. या फिर तीनों को एक साथ भी रख सकते हैं. I think not an issue. I'm still thinking if we can do it. You know, ekstra agar rakhenge, I think it should work. thinking a lot on this. I think ekko separate rakhte hain, wohi better option hai. So kisko separate out karna hai wo main abhi soch raha hu. I think ye jo hai isko separate out kar dete hain and in dono ko saath mein rakh sakte hain. I'm thinking isko separate out karna better hoga. इसका रूट थोड़ा सा अलग है फॉर्मेशन. तो नाउ आई जस्ट सी इन दोनों को साथ में हाउ इट लुक्स. जस्ट प्लेस दिस वन लाइक दिस वन ऐसे. या दिस वन लुक्स ओके टू मी. तो चलिए ऐसे ही लगाते हैं इनको पहले से, सबसे पहले, एंड उसको दूसरे पॉट में लगाते हैं. छोटे वाले पॉट में लगेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम आई वॉज थिंकिंग ऑफ प्लांटिंग ऑल दिस थ्री ट्रीज इन टू वन पॉट, बिकॉज स्पेस फिर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगते हैं. एक और पॉट आई हैव टू स्पेंड फॉर दैट. चले इसी में लगाते हैं फाइनली, बिकॉज मेरे पास इतना स्पेस नहीं है. थिंकिंग अबाउट स्पेस आई थिंक इट शुड बी बेटर टू प्लांट ऑल दिस थ्री टुगेदर, इट वुड लुक गुड. सो सबसे पहले एक लेयर ऑफ सॉइल हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें, जो मैं करता हूँ. सो एक बॉटम लेयर ऑफ सॉइल आ गया है अपने पास, थोड़ा सा इसके ऊपर हम तीनों ट्रीज को रखेंगे एंड विल हैव टू फर्स्ट स्प्रेड आउट द रूट्स इन अ रेडियल वे. ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो आई प्लांट ओनली टू. तो इसमें थोड़ा सा इसको ग्रीन करना होगा, लंबे रूट से काफी कर दिया हम लोग ने. दिस हियर इससे थोड़े रूट्स को कम आउट करूंगा मैं.
काफी लंबा है फिर भी। इसके बाजू में मैं इसको रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है मेरे को, ऐसे रखता हूँ इसको। अभी थोड़ा कॉम्ब आउट करता हूँ। एक्सेस रूट्स है उनको मैं प्रून करूँ। सो इट कैन स्टे लाइक दिस, बहुत अच्छा दिखेगा दो दो ट्रीज इसमें। तीसरे ट्री को हम लोग दूसरे पॉट में लगाएंगे, उसको पानी में रखता हूँ मैं फिलहाल। एंड अच्छा आई थिंक वी कैन पुट कौन सा सॉइल इनटू इट। एक बार इसमें इसका ओरिएंटेशन देखेंगे हम लोग। इज इट लुकिंग गुड, इज इट इन द सेंटर ऑफ द पॉट? यस, ये सेंटर में है। ऊपर भी काफ़ी अच्छा फोलिएज है। ओके सो इसमें मैं अभी सॉइल डालने वाला हूँ। ऊपर से भी काफी लंबे हो रहे हैं, इसके लिए बैलेंस नहीं रह रहा है इनका। आई हैव टू प्रून इट फ्रॉम द टॉप एज वेल। सो जो काफी लंबे हो गए उनको मैं प्रून करता हूँ पहले। तो चलिए इसको ऊपर से भी थोड़ा प्रून कर देते हैं। सो प्रूनिंग के लिए आई हैव टू डिसाइड वेयर टू प्रून इट। सो आई विल कीप वन लीफ एंड आई विल प्रून द रिमेनिंग पार्ट। वन और टू लीव्स में रखूंगा एंड मैं प्रून कर दूंगा। यहाँ पे भी वन और टू लीव्स में रखूंगा एंड मैं प्रून कर दूंगा। एंड ट्राई टू कीप आउटवर्ड फेसिंग लीव्स। तो ये शॉर्ट हो गया अपना। एंड दूसरा ट्री उसको भी थोड़ा शॉर्ट करना होगा। सो इसको यहाँ पे प्रून कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग दे सकते हैं। एंड जो ये एक बचा है इस ऑल्सो वी वॉन्ट टू ग्रो आउटवर्ड, सो इसको यहाँ पे प्रून करते हैं। दैट्स इट। सो ये हो गया अपना प्रूनिंग। तो वेट जो है एंड ट्रांसपिरेशन लॉस जो है वो हम लोग ने कम किया है फॉर दिस ट्री, सो इट विल इजीली रिकवर। नीचे जाते हैं। चलिए अभी सॉइल के ऊपर काम करते हैं। सॉइल को रूट्स के अंदर पुश करते हैं थोड़ा। सो हो गया एक ट्री, हो गया अपना। अभी सेकंड ट्री को लगाते हैं छोटे पॉट में, छोटा पॉट। सो गाइस ये है छोटा बोनसाई पॉट मेरे पास। इसमें हम लोग दूसरे वाले ट्री को लगाएंगे जिसको हम लोग छोटा बोनसाई ट्रेन करेंगे। आई पुट अ लेयर ऑफ सॉइल।
इसके ऊपर हम लोग स्ट्रीक को लगाएंगे जो कि काफ़ी मस्त है। इसके भी रूट्स अच्छा दिखेगा, इसमें इसके रूट्स और थोड़े ट्रिम करने होंगे अपने को, एंड उसका शूट भी ट्रिम करना होगा। तो पहले शूट ट्रिम करते हैं, उसके आउटवर्ड फेसिंग लीफ रखूँगा मैं यहाँ पे भी, जो आउटवर्ड फेसिंग लीफ है वहाँ पे मैं ट्रिम करूँगा। शूट्स ट्रिम हो गए हैं एंड इसके रूट्स भी हम लोग को प्रून करने होंगे, बिकॉज वी हैव टू फिट इट इन स्मॉलर पॉट, सो हम लोग स्मॉल वन से बनाएंगे। That's enough. जनरली मेरे बोनसा साइज यही होती है, कुछ कुछ पॉट्स थे मेरे पास जो स्मॉलर बोनसा के थे, सो अगर मेरे पास ज़्यादा ट्रीज हो जाएंगे और एक ऑलरेडी बड़ा वाला रहेगा तो दूसरे वाले छोटे वाले में लगा देता हूँ, बिकॉज ऑफ स्पेस इश्यूज मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं होती है टू कीप सभी बड़े पॉट्स में डुप्लीकेट ट्रीज ऑल्सो, सो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये हो गया अपना पॉटिंग ऑफ पोटिया ट्री रेडी, अभी इसको हम लोग फुल वाटरिंग देंगे एंड विल अलाउ इट टू रिकवर इन शेड। सो गाइस टाइम फॉर टुडेज अपडेट, आज के अपडेट में है ये अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री जिसके ऊपर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काम किया था, एंड मैंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए और स्पीडी रिकवरी उसके वजह से मैंने ये प्लास्टिक बैग रखा था। सो ये प्लास्टिक बैग के अंदर आप देख सकते हो कि मॉइस्चर जो है उसके ट्रेसेस दिख रहे हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स लग रहे हैं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मॉइस्चर हैज बीन मेंटेन वेरी नाइसली, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है इसके अंदर, एंड इट विल डेफिनेटली अलाउ द ट्री टू रिकवर मच फास्टर फ्रॉम दिस रिपॉटिंग स्ट्रेस इन दिस ड्राई सीजन। सो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड वी कैन सी दैट इट हैज डेफिनेटली सर्वाइव्ड, इट्स डूइंग गुड, सॉइल मॉइस्ट है, स्टेम इज ओके एंड एट द सेम टाइम इट इज प्रोड्यूसिंग न्यू ग्रोथ्स। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम टू बिट ऑफ प्रूनिंग प्रूनिंग वर्क ऑन दिस ट्री जो मैं अभी करूंगा, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट यहाँ पे शूट जाने को, वी वॉन्ट लोअर ब्रांचेस ताकि ये अच्छा बोनसाई दिखेगा। सो जहाँ पे ये मुझे दिख रहा है आप यहाँ से नया शूट आ रहा है, सो अबाउट यहाँ पे मैं उसको कट करूँगा इतना लेंथ, दैट इज फाइन आई बिलीव। सो यहाँ पे मैं उसको कट करने वाला हूँ, आई जस्ट गोइंग टू गिव अ स्ट्रेट कट जस्ट लाइक दिस, एंड इसको मैं एज अ सेपरेट ट्री भी ग्रो कर सकता हूँ, हालांकि मुझे अभी जरूरत नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच स्पेस टू कीप ऑल द ट्रीज, सो आई विल मेंटेन दिस वन एंड इसको मैं पानी में रखूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड इसको आई स्टिल कीप इट कवर्ड विद दिस बैग बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने प्रून किया है, यहाँ से मॉइस्चर लूज होने का चांस है, सो आई विल कवर दिस विद बैग। एंड और कुछ दिन मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, एक बार नए शूट्स आने चालू हो जाएंगे एंड ये जब भी उसका घाव जो है वो हील आउट हो जाएगा तभी मैं इसका बैग रिमूव करूंगा एंड उसको फ्रीली ग्रो होने दूंगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिए एंड टू सब्सक्राइब। तो थ्रिलर बॉन्साई, टेक केयर।